कांग्रेस महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि सर्वे किया जा रहा है, उसके बाद ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश की जनता ही नहीं भाजपा भी मानती है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की दोबारा सरकार बन रही है। इस घबराहट में भाजपा ने जल्दबाजी में प्रत्याशियों की घोषणा की है। कांग्रेस के दावेदारों को लेकर उन्होंने कहा कि वो दावेदारों का चयन करने नहीं आई है, पार्टी का सर्वे चल रहा है, फीडबैक लिए जा रहे हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। केवल पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जीतने वाले व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। कैसे इन्हें बिल्कुल लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है? क्या कारण है कि केवल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ही इस्तेमाल होती है ये एजेंसी, और अगर कोई इनकी शरण में चला जाता है तो उसका ऑटोमेटिक गंगा स्नान हो जाता है, पवित्रता उनके ऊपर आ जाती। जगह जगह आपने देखा जिनके ऊपर उंगलियां उठाते थे विपक्ष में होते, कौन जब इनके पास चले गए वो लोग तो एकदम सब कुछ खत्म। ये भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की, मोदी जी की सरकार जो ये नीतियां हैं, आने वाले समय में देश इसका उचित जवाब देगा। छत्तीसगढ़ के लोग पूरी तरह से कांग्रेस का साथ। कुमारी शैलजा ने छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का दावा किया और कहा कि प्रदेश की जनता ने सरकार का विश्वास बढ़ाया है, जिसके दम पर कांग्रेस 75 से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल भाजपा का शासन रहा, राजनांद गांव के विधायक रमन सिंह भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, पर बीते चुनाव में जनता ने उनकी सरकार को नकार कर कांग्रेस पर भरोसा किया। कांग्रेस ने भी जनता के विश्वास के बल पर काम किया है, गांव हो या फिर शहर, सरकार ने काम करके दिखाया है। देखो, हर चुनाव में अलग तरह की बात होती है। एक तो मुख्यमंत्री का अपना एक लेवल होता है, ये तो सब मानेंगे। मुख्यमंत्री होता है तब अपने एरिया में उस वहाँ के लोगों का भी एक अलग रुझान होता है। लेकिन क्या कारण हुआ कि पिछली बार उनका जो मार्जिन था, कहाँ इतने 32-33 हज़ार वोट से घटकर आधा रह गया। तो कुछ तो यहाँ के लोगों की अपेक्षा हुई होगी जो यहाँ के लोगों को महसूस हुआ, लेकिन आने वाले वक्त में हम ये सीट जीतेंगे। देखो, ऐसी जनरल कोई बात और ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आज के दिन हर सीट पर सभी लोग बैठकर विचार भी करेंगे, फीडबैक भी लेंगे, और उसके आधार पर हम सीईसी को नाम भेजेंगे। जो हमारा फीडबैक होगा उसके आधार पर हम फैसले देखें। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।